थोड़ा से गाइडलाइन कर। मिस जैसा आप पूछ रही हैं रैंकिंग, तो हमने रैंकिंग यूँ ख़त्म की कि इसमें एक रेस लग जाती है और हर पेरेंट्स और हर बच्चा चाहता है कि वो बस फर्स्ट आए। अगर हम देखें तो बच्चे और जो भी लोग हैं इर्द गिर्द हमारे, उनमें अलग अलग किस्म की अल्लाह ताला ने खसूसियात दी हैं। अगर मैं एक परिंदे से कहूँ कि तैर के दिखाए तो तैर नहीं सकता। इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, हर डिफरेंट माइंड का बच्चा होता है। तो ये दौर स्किल्स का आ गया है, तो हमने इस जंग से बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश की कि वो इस रेस से बाहर निकले। अभी भी क्या होता है कि बच्चे को आधा नंबर कटने के ऊपर सवाल किया जाता है, आधा नंबर क्यों कट गया, जबकि जो उसके बाकी नंबर होते हैं उसके ऊपर फोकस नहीं किया जाता। हमेशा हमारा जो फोकस होता है वो कमी वाली साइड होता है, हम ये देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। तो हमने इस तरफ कोशिश की है कि पेरेंट्स को भी गाइडलाइन दे रहे हैं और तमाम लोगों को ये मेरा मैसेज है कि बच्चे की काबिलियत, बच्चा क्या क्या सीख रहा है, उसको सिखाने की तरफ आइए। यहाँ ये ना करें कि वो नंबर, अगर वो नंबर गेट कर भी लेता है और उसके अंदर स्किल्स क्रिएट नहीं हो रही, वो मार्केट के लिहाज से सही नहीं है, तो वो बच्चा किसी भी काम का नहीं है। तो इस रेस से बाहर निकालने की कोशिश है, पेरेंट्स को इस तरफ लेकर आए। देखिए बहुत बड़ा स्टेप उठाया कि हमने तमाम क्लासेस से रैंक को खत्म किया। बच्चों को, तमाम लोगों को मैं बताऊंगा कि बच्चों को देखें वो इंग्लिश में कितना अच्छा है। कुछ बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, कुछ ड्राइंग में अच्छे हैं, तो डिफरेंट टाइप के बच्चे होते हैं। उनके अंदर जो स्किल्स नहीं है, जिस चीज़ की भी स्किल्स नहीं है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, उन्हें क्या क्या सीखना है, कौन सा दौर आने वाला है, उस दौर से रिलेटेड हमने लर्निंग कराने की तरफ लेकर जाना है। कोशिश है, स्टेप्स उठा रहे हैं छोटे छोटे। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस तरफ का ऐसे इकदाम उठाने की कोशिश करें जिससे हमारे बच्चे और वालदेन को भी हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस टाइप का दौर आने वाला है और किस चीज़ से कामयाबी हासिल होंगी।